गुरुवार हुई जिला के मूसलाधार हीगा बारिश ने प्रखंड के राजधानी रंजीतपुर गांव लखनऊ में को से मानो बगली डुबो मठ पर सा दिया। गुरु पूर्णिमा के प्रदेश की अवसर पर राजधानी श्रद्धालुओं की लखनऊ के काफी अलग अलग गुरु हिस्सों में पूर्णिमा को सड़कों लेकर पर पानी बागी भर धाम में गया। भंडारा का भी आयोजन अंडरपास किया में गया पानी था। ही पानी विभिन्न दिख रहा गाँव से था, लोग गुरु जिससे यातायात पूर्णिमा के अवसर पर व्यवस्था बगली धाम बिल्कुल में जुटी चरमराती थी। दिख रही हमारे थी। संवाददाता सुबह से राहुल ही हो कुमार रही ने झमाझम श्रद्धालुओं बारिश से ने बात की। लखनऊ हाईवे श्रद्धालुओं की का पोल कहना है खोल कि हर दी। साल गुरु यहाँ पूर्णिमा सड़कों के पर अवसर कई किलोमीटर अलग तक अलग पानी गाँव भर से लोग गया, यहाँ इकट्ठा जिसके होते हैं। कारण जाम लोगों की में लंबी काफी लंबी जागरूकता है, कतारें लोग लगनी उत्सुक शुरू दिख हो रहे गई। हैं। बगली धाम बाराबंकी जिले में का भी एक भारी अजूबा बारिश धाम के है बाद जहाँ फैजाबाद हर रोड अवसर व पर यहाँ सीतापुर रोड पर श्रद्धालुओं कई की भीड़ किलोमीटर देखी तक जाती सड़क पर पानी भर जाने से जाम लग गया। वहीं पॉलिटेक्निक चौराहे पर शाम भारी जाम लगने से सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। हजरतगंज में मेट्रो बनने के चलते चौराहे के चारों तरफ पानी भर गया, जिसकी वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि मूसलधार बारिश के बीच दफ्तर से लौटने वाले लोगों को व स्कूली बच्चों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल गुरुवार की सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए हुए थे और धुआंधार बारिश के चलते सुबह ड्यूटी जाने वाले लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लखनऊ में सुबह से हो रहे रिमझिम में अचानक मौसम बनने से भारी बारिश के कारण जगह जगह जलभराव की समस्या का सामना करना पड़ा। राजधानी लखनऊ के इंदिरा नगर में भी कई रिहायशी इलाकों में जबरदस्त बारिश के बाद पानी लबालब भर गया, जिससे आम लोगों के आवागमन में काफी समस्याएं झेलनी पड़ी। बारिश की वजह से लखनऊ के इंदिरा नगर के कुकरेल ब्रिज के पास बड़ा गड्ढा हो गया, जिसके कारण आसपास के लोग इस गड्ढे से दहशत में आ गए। इसी बीच लखनऊ के आईआईटी चौराहे से पहले स्थित निषादगंज ब्रिज के नीचे पानी भरने से रास्ता बंद हो गया। इसके अलावा शहीद पथ से मटियारी चौराहे की ओर जाने वाली सड़क पर पड़ने वाले पुल के नीचे भी जल भराव हो गया, जिसके कारण भारी वाहनों के आवागमन में नई समस्याएं बन गईं, जिससे चिन्हट से बीबीडी की ओर जाने वाले लोगों को खासा दिक्कत का सामना करना पड़ा। इस बीच मौसम विभाग ने 12 राज्यों को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर सहित उत्तर भारत के कई इलाके शामिल हैं। स्काईमेट ने भी अगले 24 घंटे में भारी बारिश की संभावना जताई है।